Uh, मतलब गोल पे गोल मार रहा था और एक आदमी बहुत इंप्रेस हुआ उसका नाम था सैम सैम तो ने के के साथ और, uh, लेक के साथ और फी अग्री कर ली थी सब कुछ हो गया था लेवन को बस फ्लाइट लेनी थी और uh, आना था बर्मिंग जहां पे यू नो वेट कर रहे थे दोनों मैनेजर uh, और उसका असिस्टेंट मैनेजर बिग सैम और उसका असिस्टेंट मैनेजर बट क्या हुआ आइसलैंड में एक वोल्कैनिक इप्शन हो गया और उस वोल्केनो का नाम तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे बड़ा भयंकर सा नाम है उसके वजह से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं तीन दिन कोई फ्लाइट ही नहीं हो पाई और उस बीच में एक और आदमी था जिसका नाम था योगन क्लॉप जो बरोसिया डॉटमेंट का मैनेजर था उसने डील क्लोज कर ली एंड लेवन डॉस की वेंट ऑन टू बिकम द लेजेंडरी स्ट्राइकर वहां के बाद बाय म्यूनिक और बार्सिलोना बिकेम बेसिकली बिकेम लेवेंडाउस की बट हां पॉसिबल था भाई डो ना ये रियालिटी है कि रोनाल्डो है बैंक ने उनको पूरा ग्राउंड मतलब फैसिलिटीज दिखाई एक शॉट भी प्रेजेंट किया बट निथी इट डेंट गो थ्रू बिकॉज जो फी आज वर तो sporting, वो रेडी टू पे एट द एंड ऑफ द डे टू स्पोर्टिंग वॉज वन थर्ड ऑफ व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफर्ड वो आई थिंक बारह और मिलियन का फी था अभी हाइंड साइड में तो बहुत बड़ा बार्गेन है बट आज वो फी रेडी पे करने के लिए नहीं था

और उसके बाद वहां पे उसको बहुत पसंद आया डिएगो मैराडोना और टू टू हंड्रेड थी जो कि ऑलमोस्ट हो भी गया था बट लास्ट मोमेंट में ना बेसिकली शेफील्ड यूनाइटेड के बोर्ड ने वो पे पे करने से मना कर दिया और उसके बाद आ, उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ा ज्यादा है 160,000 160 पाउंड्स में एलेक्स सबेला तेरे को याद होगा एलेक्स सबेला बाद में उसने अर्जेंटीना को मैनेज भी किया है

ब्राह्मन लेन में मैराडोना रनिंग डाउन दीज नो वेर यू कैन जस्ट टॉक अबाउट लाफ एट द मोमेंट बट कु देता था बिल्कुल जेराटो चेल्सी भी हो सकता था जेरा टू चेल्सी तो इज वेरी क्लोज टू हार्ट एंड चैंपियंस लीग जीतने के बाद भी देर वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट जेराड चेल्सी जॉइन ज्वाइन करेगा हम सब जानते हैं कि राफा बनेटेज का कितना रोल था उसमें नहीं और मैंने तो बहुत बात की है उसकी जोजीज जलाई गई थी मेरे को अभी भी याद है आई वॉज फोर्टीन एंड आई टू और कुड पे देख रहा हूँ मैं उसकी फोटो है कोई उसकी जर्सी जला रहा है फिर कुछ न्यूज़ में देख लिया जा सकता है? फिर बाद में धीरे धीरे पता चला की क्या हो रहा था क्यों हो रहा था बट इज इस... हमेशा निधि हमेशा अपने दिल से सोचता है एंड अभी भी अल इतफाक हुआ नहीं है आई थिंक उसके दिल ने उसको बोल दिया कि भाई इतने पैसे का कुछ फायदा नहीं है लाइफ में <laughs> तो आई थिंक अभी भी नहीं, नहीं जा रहा हो

उसका अनबन हुआ है और वो नहीं हुआ है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था मोरिनियो वॉज द मैनेजर चेल्सी रियाल एंड मिलान तीन बार साइन करने की कोशिश की उसने को चेल्सी के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हिस्सा बिकॉज इधर कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं रहा था और ही वॉज नॉट फीलिंग लव्ड बट या थैंक गॉड इट डिट है गॉन इन टू यू नो एन एनोरिज्म और समथिंग अगर मैं जेराड को चेल्सी के लिए खेलते हुए देख लेता तो मतलब थैंक गॉड इट डेंट हैपन ब्रो बाद में टॉरेस के साथ हुआ बट ऑब्वियसली कुछ इट इज नो वे नियर हाउ और हाउ इट वुड हॉट स्टीवी तो इज इज वन ऑफ अस इन ऑलवेज बी विल बी आर लेजेंड बट डे स्टेफानो निधि कुड है प्लेट इसकी स्टोरी तो आपको ठीक से पता ही है मतलब बट नाउ नाउ वी एसोसिएट हिम विद रियल मैड्रिड बोनाबे ऑफ कोर्स बट ही कुड हैव बीन अ बासा प्लेयर भाई बारसा ने तो डील अग्री कर ली थी रिवर प्लेट के साथ यार तो क्या है ना कि भाई देख उस टाइम साउथ अमेरिकन क्लब्स का ना मतलब जो ओनरशिप रूल्स और वो सब होते थे ना वो बड़ा कॉन्वल्यूटेड uh, सा होता था मतलब कि कोई प्लेयर मान लो कि किसी ने खरीदा जैसे uh, रिवर प्लेट के पास उसके राइट्स थे पर वो खेल रहा था मिलियो के लिए और और जिससे जिससे रियल ने डील अग्री की थी और, मतलब फिर दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन हुआ रियल मड और बार्सिलोना के बीच में जहां पे फैसला ये हुआ कि एक साल वो रियाल के लिए खेलेगा एक साल वो बार्सिलोना के लिए खेलेगा तो इमेजिन लाइक दिस इज लाइक कैन यू

उट बिकॉज एंड स्पीकिंग ऑफ लिविंग ब्लैकपोर्न देखो Blackburn ka kya hai na? Blackburn uh, won the Premier League in 1995 and yes. uh, so there were people who wanted obviously to sign better players, new players and uh, basically logo recommend recommended Zidane to the board but the club chairman Jack Walker uh, he, he said why do you want to sign Zidane when you have Tim Sherwood and <laughs> and या अभी यही ये दीज आर द रियल वर्ड्स कि व्हाई डू वांट टू साइन जिडान व्हेन यू हैव टिम शर्वुड एंड आप आप देख लो जिडान ने आगे जाके क्या किया एंड दे डिडंट पर्स्यू जिडान एंड जिडान मूव्ड ऑन टू ग्रीनर पैस्चर्स इन लाइव आई मीन जुवेंटस देन रियल मैड्रिड फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप जीते अ फ्यू इयर्स लेटर I think 95 they were trying to say 98 में France World Cup जीता I am sure that man regrets what he has said नहीं हंड्रेड परसेंट भाई एंड फन फैक्ट नाइनटी फाइव में जो वो प्रीमियर लीग जीते थे इट वाज़ विथ कैनी इट वाज़ विथ किंग कैनी कैनी के साथ जीते थे ही वाज़ द वन दी वाज़ द मैनेजर कैनी वाज़ द मैनेजर उसके बाद कैनी लेफ्ट एंड ही हैड एक्चुअली प्रपोज्ड बोला था कि जिदान इज अ वेरी टैलेंटेड फुटबॉलर एंड ऑल दैट बट Uh, भाई मतलब ब्लैकबर्न के बोर्ड ने बोला कि नहीं भाई आ, हमारे पास तो टिम शर्वुड आपको जिदान की क्या जरूरत है <laughs> और मतलब नहीं साइन किया बट इट इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स ना मतलब जैसे बीच में सुनते ना कि एक स्टोरी आई थी ना कि एक कोई इंजीनियर था जिसने दो बिटकॉइन दे दिए थे दो पिज्जा के लिए और वो <laughs> मतलब इट इज वन ऑफ इट इज वन ऑफ दो स्टोरीज ब्रो इमेजिन लाइक जिनेडिन जिडान प्लेइंग फॉर ब्लैकबर्न अनबिलीब वि नहीं होता है लॉन्ग बिफोर दिफोर द्लैकबोर्न तो प्रेम लीग में था ना तो बट टू गेट बैक टू गेट बैक ये पांच छे थे थोड़े ट्रांसफर जो हो सकते थे बट नहीं हुए हमने सोचा इनके बारे में हम आपको बताएं बिकॉज अभी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं आएंगे बहुत सिली रूमर्स और आएंगे बट ये रूमर्स नहीं ये तो ऑलमोस्ट होने वाला था आप बताइए अगर आपको ऐसा कोई ट्रांसफर पता है विच ऑलमोस्ट वॉज गोइंग टू हैपन मेरे को तो एक एक याद आता है निधि यू रिमेंबर मेलकम वॉज अबाउट टू ज्वाइन एस रोमा एस रोमा वाले एयरपोर्ट पे आ गए थे औ, और फिर वो बार्सिलोना चले <laughs> <laughs> मतलब ऐसे भी हुआ एकदम लास्ट मोमेंट में ऐसा सूप इन कर लिया मैं तेरे को एक किस्सा बताता हूं आर्सनल का ना एक साउथ कोरियन स्ट्राइकर था ये बंदा ही एंड पी एस जी ऑलमोस्ट मोनिको अ डील विथ हिम और वो पेरिस uh, आ गया था और होटल में रुका हुआ था बिकॉज फी डील अग्री हो गई थी और इट वाज ऑलमोस्ट डन ये इसके बीच में इसको फोन आता है इसके एजेंट का कि आरसीन वेंगर इंटरेस्टेड इन यू ये रातों रात रातों रात दिस गाय जस्ट इज नो वे टू बी फाउंड उसका मतलब दूसरे क्लब के रिप्रेजेंटेटिव आके उसको होटल में ढूंढ रहे हैं वो कहीं नहीं मिल रहा है ही हैज़ टू लंडन राइट

ये ये वही वाला है जो इफ यू इफ यू रिमेंबर हैरी रेडनैप एक बहुत सही इंसिडेंट नरेट करा था निधि कि वो पोचमथ में बेंजानी उसका एक स्ट्राइकर था ठीक है <laughs> तो <laughs> बेनजानी के लिए आई डोंट नो द करेक्ट अमाउंट निधि बट छः सात मिलियन का ऐसे ब्रिडविड आया था फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी सो so, वो हैरी रेडनैप बोल रहा था यार फॉर पोचमत सेवन एट मिलियन जो भी अमाउंट इज ग्रेट मनी सो हैरी रेडनैप बेंजानी को बुलाता है अपने रूम में बोलते हैं कि

और फिर वो उसको फोन वोन कर रहा है तो हैरी रेड ने वापस गया फाइनली लास्ट फ्लाइट में बैठा के आया ये सब भी होता है नहीं निधि सोच <laughs> ये तो मतलब ये तो मतलब वो वाला सीन है ब्रो कभी कभी विदाई में होता है ना दुल्हन कार में बैठी नहीं रही है ये तो वो वाला सीन है क्या होता मतलब है कि बापा किसको बिठा रहा है <laughs> मतलब यार ट्रांसफर स्टोरीज मतलब एक से एक रहती है और सिली सीजन के बीच में हम हैं तो ऐसी बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज आपको आने वाले टाइम में आने वाले दिनों में पक्का सुनने को मिलेगी कोई ट्रांसफर ऑलमोस्ट होने वाला था और नहीं हुआ या फिर नहीं होने वाला था और हो गया ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा रोजाना ट्रांसफर चर्चा में हम काफी डिस्कशन तो करते ही हैं। आज भी हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे कि ट्रांसफर्स की दुनिया में ये पागलपन जहां पे चलता है वहां पे और क्या नया पागलपन चल रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब मत भूल करना मत भूलना आज फिर से मिलेंगे अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू एंड रिमेंबर वन थिंग अब तैज